हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल फ्रेंड। आज इस वीडियो में मैं संजीव हसन जी का, जो इंडिया का जाने माने एनालिसिस, जिसको एनालिसिस का छोटा मोटा गुरु भी जाना जाता है, उसने तो 2021 के लिए चार चमकते सितारे के बारे में बात किया, जो चार स्टॉक के अंदर आपको करना है इन्वेस्टमेंट। चलिए तो देख लेते हैं कौन सा चार स्टॉक सर जी ने आपको रिकमेंडेशन किया और कितना टारगेट रहने वाला है। तो और एक आपके लिए एक ट्विस्ट भी है, एक गिफ्ट भी है आपके लिए एक नया साल का। चलिए तो कौन सा गिफ्ट पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट जो गिफ्ट हो गया टाटा केमिकल। टाटा केमिकल गिफ्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेस्ला इंडियन मार्केट में आने वाला है दोस्तों। और टेस्ला इंडिया मार्केट में आएगा मतलब दोस्तों इंडिया का अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फैल जाएगा। और सबसे बड़ा बात है, इंडिया के अंदर पहली सबसे बड़ा जो कंपनी है टाटा केमिकल, ये लिथियम आयरन बैटरी के लिए ऑलरेडी कंप्लीट कामकाज कर रहा है दोस्तों, कंप्लीट कामकाज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा फायदा जिसको होने वाला इंडियन मार्केट के अंदर टेस्ला आने से, वो है टाटा केमिकल। तो इसलिए टाटा केमिकल के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट है तो अब लाकी है, अभी रुकने वाला नहीं है। अभी 2000 का जो टेक वार्ड, अभी जो स्टॉक मिला आधा प्राइस में मिला, इसके डबल होने वाला दोस्तों एक साल नहीं दोस्तों, नेक्स्ट 6 महीने का अगर टेस्ला मार्केट में लॉन्च कर जाएगा तो उसका 2 महीने का अंदर डबल करके छोड़ेगा आपका पैसा। चलिए भाई बात कर लेते हैं सर जी संजीव हसन जी का पसंद स्टॉक के बारे में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अपडेट दोस्तों, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं रिलायंस के अंदर सर जी ने बोला था दोस्तों, आप चाहे तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। वो पहले का सन फार्मा के अंदर ये भी बात बोला, बाय एंड डिप, आपको जितना नीचे मिले उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है दोस्तों। और सन फार्मा का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले जो स्टॉक सर जी ने रिकमेंडेशन किया और डीवीएस लैब के अंदर खरीदारी का सलाह दे चुका है दोस्तों, जिसका टारगेट रहेगा 4000 का और टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा 3650 का और पोजिशनल टारगेट रहेगा 5000 का। सर जी ने 5000 का भी बात बोल चुका है दोस्तों। और इस खुशी में दोस्तों जो इंडिया का जाने माने एनालिसिस वो है दोस्तों अनिल जी ने तो डीवीएस लैब को 4500 का भी टारगेट दे चुका है। चलिए अभी देख लेता है सेकंड स्टॉक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। सर जी ने बाय करने के लिए कुछ दिन से रिकमेंडेशन करा दोस्तों, और आज का मार्केट में तो इसके अंदर उछाल देखने को मिला है दोस्तों। तो इसका टारगेट पाया जाएगा 42.5 से 44 का। स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, 35.5 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। चलिए और एक स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, जिसको सेल करने के लिए रिकमेंडेशन किया वेदांता के अंदर बेचने के बाद, वेदांता फ्यूचर के अंदर बेचने के बाद बोला गया दोस्तों, जहां पे 160 का स्टॉप टिका पाई रहेगा और 188 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये था भसन जी का पसंदीदा स्टॉक है। मिलते हैं नेक्स्ट नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।